तो चलिए करते हैं बात। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल की लगभग लास्ट क्लास है, तो आज जो है ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डेसिमल के फॉर्म को फ्रैक्शन में बदलने की कंडीशन। क्या क्वा डेसिमल में कोई नंबर होता था, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ये हम सीख रहे थे। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, हमने पिछली बार क्या मैटर सीखा, 0.9 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको बताया था जितने डिजिट के ऊपर बार आएगा उतने तो अपॉन में 9 आ जाएंगे। भाई ये ऊपर वाली कंडीशन एडिटिव उतर जाएगी, उसमें पॉइंट और बार हट जाएगा, और जो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने डिजिट नीचे आ जाएंगी। अगर पॉइंट और वाली डिजिट से पहले कोई बीच में डिजिट आ रही है तो उसका 0 लग जाएगा। इसको एक छोटी सी कंडीशन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0.x के ऊपर बार, तो इसे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, है ना, क्योंकि 0.x, तो एक्स इसमें से पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, तो 0x को x0 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बार कितनी डिजिट पर है, एक, तो 1 9, देख लो ये मेथड तो बना। अगर हम बात करें 0.xy के ऊपर बार, तो पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, क्या बचेगा, xy, है ना, और बार कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, तो 99, यानी 99। पहले बताइए ये चीज समझ में आई। ऐसे ही आगे बात करते हैं, अगला मेथड क्या कह रहा है, अगला मेथड कह रहा है कि अगर 0.xy और y के ऊपर बार हो, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर को एक साथ लिख दिया। पहले तो हमने ये वाला काम करा, इतना सुनना, उसके बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो डिजिट माइनस कर दो, कर दी माइनस अपॉन में, कितनी डिजिट पे बार है, 1 पे, तो 1 9, और कितने डिजिट ऐसे हैं जो पॉइंट और बार वाली डिजिट के बीच में आ रही है, 1, तो 1 0। फिर देख लीजिए हमने क्या करा, भैया 0.x के ऊपर बार है, एक्स वाई के ऊपर बार है, तो एक्स वाई तो अपनी जगह आ गया, क्योंकि जब पॉइंट और बार हटा दूंगा तो एक्स वाई बचा। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो ये एक्स था, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था और ये पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच मारा था, तो इसे कर दिया मैंने माइनस, और डिवाइडेड बाय 90 कैसा आया, भैया बार कितनी डिजिट पे है, 1, तो 1 डिजिट आ गई, और पॉइंट और बार के बीच में कौन आ रहा है, एक्स, 1 डिजिट आ रही है, तो 1 0। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही 0.xy के, नहीं तो हो गया एक्स वाई के ऊपर बार, तो हो गया एक्स पॉइंट वाई के ऊपर बार, ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो बहुत ध्यान से देखना। इसमें तरीका बिल्कुल सिंपल सा क्या लगा है, एक्स वाई, पहले ये बात समझ में, एक्स वाई कैसे बना देख लो, पॉइंट हटाया बार हटाया तो एक्स और वाई बचा ना, तो एक्स वाई बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से कौन सा नंबर माइनस होगा, एक्स माइनस होगा, अपॉन में क्या आएगा, 1 9, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई पक्का। अब यहां पे 0 क्यों नहीं लगा, बीच में कोई डिजिट नहीं, यहां बीच में कोई डिजिट होती तो 0 लग जाता, क्योंकि पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच में कोई डिजिट होनी चाहिए। जब पॉइंट और बार हटा दो तो क्या नंबर बचेगा, पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो, हाँ हाँ संख्या लिख के बता देता हूँ, देखो ऐसे लिखा था 2.3 के ऊपर बार, तो आप इसे 23 लिखते, और फिर उसमें से क्या माइनस हो रहा होता, 2 माइनस हो रहा होता, और डिवाइडेड बाय 1 9 आ जाता, ऐसे बनता। अब आप करके देख लेना ऐसे सॉल्व, ये यही आएगा, देखो करके दिखा देता हूँ, 2.33333, ये तो मतलब हुआ 2 पॉइंट बार का, है ना, एक मिनट देख लो उतारना, बाद में मैं एक बेसिक सा रफली सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आई कंडीशन, अगर मैं पॉइंट एक कदम पीछे उधर ले जाऊँ तो क्या आएगा, 23.3333, ये तो बनेगा इक्वेशन 1 और 2 हो गई। लेकिन इस बार ध्यान से देखो, बड़ी कौन है, बड़ी कौन सी इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन बड़ी है, ध्यान से देखो 23 बड़ा होगा 2 के मुकाबले, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो 21 तो ये बचेगा, कैसे बचा, 23 में से 2 माइनस हुआ, देख लो हो रहा नहीं हो रहा, 23 में से 2 माइनस, ठीक। अब अपॉन में देखना क्या बचेगा, भैया यहाँ जब ये पॉइंट एक कदम पीछे गया होगा तो यहाँ पे ये 10 बनेगा नहीं बनेगा, ध्यान से देखो
पॉइंट एक कदम उधर गया तो अपन में 10 बनाया होगा, अपन का 10 का मल्टीप्लाई हो गया, और 10 में से x गया होगा तो क्या बचा होगा देख लो, बनना नहीं बनना कोई। मैंने आपको थोड़ा जल्दी करके दिखाया है, ये पूरा नहीं खोला, एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो तो ये कैसा बन के आया था, ये पॉइंट को उधर पहुँचा के आया था, 23 पॉइंट जो यहाँ 2 और 3 के बीच में था उसे 3 और 3 के बीच में कर दिया था। जब नीचे 10 आया होगा ना, ये 10 इधर शिफ्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, तो ये 10x में से x माइनस हुआ तो 9 बचा, नहीं बचा, तो ये समझ में आया, तो ये वाली बात समझ में आई कैसे बनना है, क्लियर। x एक दो बार डिजिट x बार और दो बार, 4 मेथड थे, चारों हो गए हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई और रह तो नहीं गया, हाँ एक ये रह गया, एक मेथड रह गया, 0.xyz और xy के ऊपर बार, इस तरह का मेथड रह गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे x मतलब पॉइंट हटा दो और बार हटा दो, क्या बचा xyz, ये तो बचा, तो मैंने लिख दिया xyz माइनस, अब क्या माइनस होगा, बार x और y पे है, वो सॉरी y और z पे है, x पे नहीं है, तो x माइनस कर दो, अपॉन 990, क्योंकि मैं आपको क्या बताया था, जो बार लगेगा जितनी डिजिट पे उतने 9, दो डिजिट पे बार है y और z पे, तो 2 9 आ गए, और x जो कि बार नहीं है, डेसिमल के पॉइंट और बार के बीच में जितनी डिजिट आ रही है केवल एक x आ रही है, तो 10, बात समझ में आ गई, ये ट्रिक है इसकी, चाहे तो इसका एक और कर लो बढ़ा के, ए बी सी डी, और सी और डी के ऊपर अगर बार हो गया तो इसमें बताओ कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ, आप बताओ, आप बताओ कैसे लिखेंगे इसे, बताओ, वेरी गुड, ए बी सी डी माइनस, वेरी गुड, अपॉन में, वेरी गुड, डबल जीरो, क्यों, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच में 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट, हाँ, चाहे इस बात को आप कहीं लिख लो कि भाई हम इसमें क्या देख रहे हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच, सॉरी डेसिमल और बार के बीच में कितने डिजिट है उतने 0, चाहे से लिख लो कहीं बात को, ठीक है ना। और देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे छोटा सा वैसा खोल के करके भी दिखाया कि देखो ये कैसे ये ही बननी है कंडीशन, है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे, तो इसे मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगेगी कल पूछेंगे, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी कल कमेंट करके पूछ लेंगे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो, है ना, जैसे 0.7 के ऊपर बार, 2.8 के ऊपर बार, 3.37 के ऊपर बार, 6.5 के ऊपर बार, 6.5 के ऊपर बार मत करो, ये तो हो गया क्वेश्चन, 6.32 के ऊपर बार, 0.6827 और 27 के ऊपर बार, 9.99 के ऊपर बार, 8 के ऊपर बार, ये करो, हैं, ये HW में है, ये HW में आप उतार लीजिए, 6 के 6 क्वेश्चन ये HW में है। इसको करने के बाद ये मैंने रैंडमली दिए हैं तो अभी जो है मैं भी इसे, मुझे भी नहीं पता कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, निकाल के देखेंगे, तो ये आप करके देखिएगा घर पे, बिल्कुल रैंडमली लिए हैं मैंने, जैसे दिमाग में आता गया वैसे कर देखता गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये उतार लिया अपने फॉर्म में तो हटा देते हैं। अब थोड़े से आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने की उम्मीद है और उनमें हम घूम सकते हैं तो उनको करेंगे अब हम। जी नीचे वाला उतर गया, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए फ्रैक्शन का, ये और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऑनलाइन वाले भी सब लिखते रहे। एक धन का एक बटा तीन भाग, एक धन का एक बटा तीन भाग, एक धन का एक बटा तीन भाग उसके एक बटा चार भाग से, एक धन का एक बटा तीन भाग उसके एक बटा चार भाग से 12 अधिक है। एक धन का एक बटा तीन भाग उसके एक बटा चार भाग से 12 अधिक है। विराम चिन्ह। उस धन का तीन बटा चार, उस धन का तीन बटा चार भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का तीन बटा चार भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बेसिक तरीके से सिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये हटा दिया मैंने डब्लू। चलिए, सबसे पहले उसने क्या कहा कि हमने एक धन मान लिया, तो मैंने मान लिया एक्स धन है मेरे पास, उसका कितना एक बटा तीन, तो एक्स का एक बटा तीन यानी एक्स अपॉन थ्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वन से मल्टीप्लाई, तो एक्स बन जा एक्स अपॉन थ्री। वो किसके बराबर है, एक्स अपॉन फोर से वो 12 अधिक है, या तो ऐसे लिख लो, सॉरी सही तो लिखा है एक बटा तीन बार अधिक है ना, तो एक बटा चार में जोड़ेंगे। देखो हुआ क्या, फिर समझना, एक बटा तीन बार अधिक बोला है ना, जब ये 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ूंगा, जब भी तो चीज बराबर आएगी। जैसे ऐसे समझो भाई, मेरे पास मान लो 22 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने ज्यादा हैं, 12 रुपए ज्यादा हैं। अब आपके पैसे को और मेरे पैसे को बराबर करना है, तो कैसे क्या करेंगे, या तो मेरे पैसों में से 12 घटा दो या आपके पैसों में 12 जोड़ दो, एक ही तो काम करेंगे। तो मैंने देखो ये एक्स अपॉन थ्री 12 ज्यादा था ना, ये ज्यादा था ना 12, तो मैंने क्या करा एक्स अपॉन फोर में 12 जोड़ दिया, इससे क्या हुआ ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर हुई भाई, कहीं तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्लियर हुआ, क्योंकि अभी तो ये मैं बिल्कुल बेसिक कंडीशन सुन रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट में करवा दूंगा इसको, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, एक्स मेरे पास टोटल मनी थी, उसका एक बटा तीन यानी एक्स वन जा एक्स अपॉन थ्री, तो एक्स अपॉन थ्री आया, वो बराबर किसके है एक्स अपॉन फोर के, लेकिन कैसे है वो, ये 12 रुपए ज्यादा है ना, 12 अधिक है ना, तो यहाँ पे 12 जोड़ दिया, यहाँ पे 12 जोड़ दिया ताकि ये बराबर हो जाए। भैया इसके बाद 22 रुपए थे, इसके बाद 10 रुपए थे, तो 12 जोड़ के ये भी 22 हो गया, नहीं हो गया। तो अब देखो, अगर ये प्लस का है इधर आके काय का हो जाएगा भाई, और उधर क्या बचा, पहले बताओ ये चीज समझ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 की टर्म 12 आया 4 टाइम, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 की टर्म 12 आया 3 टाइम, और 3 की एक्स से हुई तो 3x। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं, देखो 3 और 4 का अगर एलसीएम लोगों, क्योंकि दोनों के दोनों किसी एक टर्म में नहीं आते, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया 12, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने क्या देखा कि 3 की टर्म में 12 आया 4 टाइम, तो 4 क्या हुआ, इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बना, नहीं बना। अब 4 की टेल में 12 आया 3 टाइम, 3 की इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x बना, नहीं बना। अब 4x में 3x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x, क्योंकि मैंने क्या बताया था x के साथ 1 या मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 या पावर 1 शो नहीं होते, भगवान होते हैं, दिखते नहीं बस होते हैं। डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12, अब ये 12 जो डिवाइड में जाके कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 का स्क्वायर याद करवाया था 144। पहले बताइए ये चीज समझ में आई, देखो ये माइनस हुआ तो बचा एक्स, अब ये 12 डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, और 12 था यानी 12 का स्क्वायर हो रहा है ना, और वो मैंने आपको 144 याद करवाया था भाई। 20 तक के स्क्वायर, 20 भी ना हो तो 15 तक के तो जरूर याद हो स्क्वायर, 15 तक के स्क्वायर तो जरूर याद हो, ठीक है। आगे बात चलते हैं, अच्छा हाँ अभी तो इसका वो निकालना है 3/4 ऑफ एक्स है ना, हमें बताना है 3/4 बताना है किसका, x का, उस धन का, उस वो धन क्या था हमने x माना था ना, तो x का 3/4 बताना है। तो बड़े ध्यान से देखो भैया, 3/4 का क्या दो ऑफ कर दो बात तो एक ही है, और उसके मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय
एक्स वैल्यू क्या निकल के आई अभी अभी 144, डिवाइड कर दो 4 1 4, 4 3 12, क्या हुआ 2, तो 24, 4 6 24, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 3 से 36 मल्टीप्लाई, 3 6 18, क्या हुआ 1, 3 3 9 और 1 10, ये बताओ किसको समझ में नहीं आया। आ गया, पहले इसको उतार लो, ये बेसिक मेथड कराया, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा, ठीक है ना। और इसमें जो चीज समझ में ना आई हो वो पूछ लेना। सर ने क्लास के लिए टाइम कम छोड़ा हमारे पास। सभी को समझ में आ गया? उतर गया? हाँ हाँ, उतार लीजिए उतार लीजिए। जब आप उतार लेंगे उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक समझूंगा। अच्छा, ऐसा कुछ करते हो ना, करते हो कि पेपर पे एक तरफ तो बेसिक लिख दिया, एक तरफ उसकी शॉर्ट ट्रिक लिख दी, ऐसा करते हो या उन्नी ऊपर नीचे लिख लेते हो? हाँ, मतलब उस पर शॉर्ट ट्रिक उसकी डाल दे रहे हो कि भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आपको वहाँ पेपर में बेसिक भी करना, बेसिक पता होना चाहिए, उससे शॉर्ट ट्रिक जरा समझने में आसानी हो जाती है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बेसिक से वो समझाई शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि देखो आंसर सेम आ रहा है, कई बार हम भी उलझ जाते हैं, अगर हमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक याद होती है तो कई बार हम उलझ जाते हैं कि ये किसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट में बेसिक लगा के देख लो, एक आदमी उलझोगे अगर शॉर्ट ट्रिक सही से पता है तो, एक आदमी उलझोगे, सब में नहीं उलझोगे। हाँ, सही से नहीं पता तो फिर तो सब उलझ जाओगे। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद, अब जिसकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी उसको करने के बाद, उसको कई बार प्रैक्टिस घर पे करना है। प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम है जो है आपके पास जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, कल का जो है, जिन बच्चों ने कल की वीडियो ना देखी हो, कल 15 अगस्त पे हमने जो है इंडिपेंडेंस डे पे एक नया ऑफर लॉन्च करा था, उसमें हमारा ऐप है, ठीक है ना। ऐप में अभी पैट का कोर्स स्टार्टिंग के 76 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स, उसमें उनकी पीडीएफ वगैरह सब होगी, पीडीएफ भी उसमें आपको मिलेगी। जैसे करंट हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं तो उसमें करंट की पीडीएफ नहीं मिल रही है ना, उसमें करंट की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है उसे कोर्स को ले सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं आगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी भैया? शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले हमसे क्या कहा, एक धन का 1/3, दूसरे धन के 1/4 से 12 अधिक है, 12 अधिक है क्या, सॉरी माइनस कर, 12 अधिक है ना, 12 कम, देखो क्या हुआ फिर देख लो, 1/3 1/4 से 12 अधिक है, मैंने ये वाली कंडीशन उठा के उठाइए, देख लो ध्यान से ये वाली, ये तो ऐसे लिख लेते हैं कि 1/3 इजिकल्स टू 1/4 प्लस 12, लेकिन मुझे वो करना नहीं था, क्यों, क्योंकि मुझे सीधा 1/4 को इधर ला के सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम 12, 4 1 4 माइनस 3 1 3, देखो हुआ क्या, 3 से 4 12 को भाग करा 4, 4 1 4 4 से 12 को भाग करा 3, 3 1 3 बराबर 12, 12 फिर डिवाइड सब जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 144 बन गया, बना या नहीं बना, और 4 में से 3 गया 1, तो 1 बराबर 144 कैसे हुआ समझ में, यानी अगर आपकी एक कंडीशन है, एक रुपया आपके पास, तो यहाँ पे 144 है उसकी उसकी वैल्यू, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है उसका, 3/4 निकालना है, 3/4 है ना, 3/4 का बताना है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और किसका है, एक, एक की वैल्यू कितनी है, 144, यानी 144 का 3/4 बताना है, तो फिर वही डिवाइड करो, 36 बार गया, और 36 की 7 मल्टीप्लाई कर दोगे 108 आ जाएगा आपका आंसर, फिर से वही आगे नहीं आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई। यहाँ मैंने एक्स वगैरह का कुछ झंझट नहीं करा, मैंने सीधा क्या पकड़ा, ये नंबर पकड़ा, ये नंबर पकड़ा, उनका डिफरेंस करा, और डिफरेंस किसके बराबर था, 12 के बराबर था, तो उसको रखा, उसको सॉल्व करा, एक की वैल्यू अगर 144 है तो 3/4 की वैल्यू कितनी होगी,
बात समझ में आ गई? करने का एक ट्रिक और है, लेकिन मैं वो नहीं आपको समझा रहा, वरना आप उलझ जाओगे उसमें। वैसे है तो वो इससे भी छोटी ट्रिक, चलो तो वो बता देते हैं फिर। उतर गए ये? देखिए, इसमें आप एक ट्रिक और क्या लगा सकते हैं कि भाई हमने ये यहाँ तक करा कि एक की वैल्यू 144 आई है ना, तो चार की वैल्यू कितनी आई होगी वो निकाल दो, ठीक, तीन की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल दो, और उनका डिफरेंस। हाँ, यह तुम उसे छोड़ो, तुम बस इसी ट्रिक को पकड़ो, क्योंकि तुम्हें ये इजी पड़ेगी, बेसिक मैथ्स की ट्रिक से पकड़ो, और ये छोटी और इजी पड़ेगी तुम्हें, वाली ट्रिक लंबी पड़ जाएगी से, ये ट्रिक ही करो, ठीक है ना, यहाँ पे सही रहेगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए आप, ये उतर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। भिन्न यानी फ्रैक्शन 4/7 4/7 का कौन सा भाग 4/7 4/7 है ना, का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग, उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14। मिक्स फ्रैक्शन मारा ये देख लीजिए, 1/14 प्राप्त हो, 1/14 प्राप्त हो, क्वेश्चन मार्क देख लीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए क्या कह रहा है। फोर अपॉन सेवन का क्या बोला उसने कि भैया भिन्न 4/7 का कौन सा भाग है, यानी एक्स है, अब 4/7 है मान लीजिए, उसका कोई भाग है, 4/7 का भाग, अब भाग मैंने मान लिया एक्स, तो 4/7 का एक्स भाग, या ऐसे लिख लीजिए एक्स भाग लिख लीजिए, या भाग एक्स लिख लीजिए, एक्स भाग, ठीक है, एक्स क्या है उसका हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, तो 4/7 का x भाग। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है उसी में जोड़े, यानी किस में जोड़े, 4/7 में, यानी 4/7 का जो x भाग है वो 4/7 में ही जोड़ा जा रहा है, और उससे क्या आंसर मिल रहा है हमें, 1/14 1/14 यही तो आंसर मिल रहा है। पहले बताइए ये क्वेश्चन में क्या हुआ, 4/7 का भाग, तो x भाग मांग लिया मैंने, मैंने मुझसे मान लिया x, बेसिक मैटर तो ये कहता है x मान लो, है ना, उसी में जोड़ा जाए, यानी 4/7 में जोड़ा जाए, कि आपका आंसर ये आ जाए, ये आ रहा है आपका, तो जरे देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। अब देखिए 4/7 तो अपनी जगह चल रहा है शांति से, उसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेचारे को, वो तो कह रहा है जिसका जो होता हो लड़ लो झगड़ लो, मैं मुझे बाद में बता दियो कौन कौन बचा, का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1/14, तो 14 बन जा, 14 में 1 क्या करेंगे हम प्लस, तो 15/14, क्या ये बात समझ में नहीं आई। चलिए अब ये 4/7, ये 4/7 मल्टीप्लाई बाय x, x की कंडीशन को मुझे अकेला छोड़ना होता है ना भाई, वैल्यू निकालने के लिए x की कंडीशन को अकेले छोड़ते हैं, तो जो प्लस के 4/7 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15/14 माइनस 4/7। पहले बताइए ये चीज समझ में ही, फिर देखो इसको मुझे अकेला छोड़ना, क्योंकि मुझे एक्स वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको अकेला करने के लिए सबसे पहले एक साजिश रचेंगे हम, बिल्कुल सास बहू वाली,
ठीक है, पहले एक को दूर कर दोस्त से, तो एक जो इस पाले में बैठा था उसको मैं उधर पहुंचा दिया, तो ये 4/7 का आएगा था, तो उधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो पहले, 14 और 7 का एलसीएम बताइए, 7 का 14 होगा क्योंकि 7 कॉमन आ गया, उसका 7 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 बचा ना, तो 7 2 जा 14 हो गया। इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे हुआ क्या, 7 और 14, तो 7 से करा 7 1 जा 7 2 जा, अब ये 2 देखो बस यहाँ पे 2 ही तो बच रहा था, तो बस 7 2 जा 14, इस तरह से 14 आया आपका। ठीक है, तो 7 2 7 14 और 7 का 14 आया 14 के 14 आया 1 टाइम, तो 15 1 जा 15 माइनस 7 के 14 आया 2 टाइम, और 2 8 जा 2 4 जा 8, 17 में से वो 15 में से 8 गया, तो 7 और 14 अपनी जगह। हेलो, तो ये चीज़ समझ में, 15 में से 8 गया तो 7 बचा और 14 अपनी जगह उतर गया, तो यहाँ चला था आपका 4/7 × x। अब ये जो 4/7 था, ये 7/14, ये जो 7 था, ये 7 मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो कंडीशन थी मल्टीप्लाई में थी, एक्चुअल में उधर कायम हुई डिवाइड में, और डिवाइड की कंडीशन का अगर मैं कंडीशन बदल दूँ, पलट दूँ, तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में बदल जाती है। मैंने तो जो डिनोमीटर में था उसे न्यूमिनेटर में पहुँचा दिया, और जो न्यूमिनेटर में था उसे डिनोमीटर में पहुँचा दिया, कंडीशन मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई में हो गई। हुआ क्या, एक्चुअल में डिवाइड में थी कंडीशन, और डिवाइड के साइन को जब भी मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो उसमें फ्रैक्शन पलट जाएगा। देख लो, वही तो हुआ। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है 7 1 जो 7 7 2 जो 14, तो यह आया 7/8। ये 7/8 आने की प्रोसेस किसी समझ में नहीं आई, देखो 7 1 जो 7 7 2 जो 14, अब 7 1 जो 7 आया और 2 4 जो 8 हो गया, आ गया आंसर हमारा। उतार लो आप, वैसे इसके लिए आप ये ट्रिक लगाना, इसके लिए ये करना, किसी शॉर्ट में उसमें मत जाना ट्रिक में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो शॉर्ट ट्रिक लगाने पर आपको उल्टा और उलझा देंगे, ये उनमें से एक है। फिर देख लीजिए, 4/7 का x भाग, मतलब उसने कहा था ना कि 4/7 का कोई हिस्सा, तो कोई हिस्सा मैंने क्या मान लिया, x भाग, है ना, तो 4/7 का x भाग उसी में जोड़ने, मैंने 4/7 में जोड़ने पर क्या आंसर आ रहा है, 1 होल 1/14 आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करा, तो ये आपका 4x/7 बनना नहीं बनना, देख लो ध्यान से, 4x 4/7 की मल्टीप्लाई से x हो रही, तो 4x हो गया ना। अब ये जो प्लस का था 4/7 जाके माइनस का हो गया, इधर सॉल्व कर दिया, आया देखो ये सॉल्व करा ना, 14 और 7 का LCM 14, है ना, और 14 के टेबल में 14 आया 1 टाइम, और 1 की 15 थी तो 15 1 जो 15 माइनस है तो माइनस, 7 के टेबल में 14 आया 2 टाइम, और 2 की 7 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 हो गया, वो सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हुई तो 8 हो गया, है ना भाई, 7 के टेबल में 14 आया 2 टाइम, और 2 की 4 से हुई तो 8 हो गया, इतना क्लियर। 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7/14, इतना आ गया। ये कंडीशन अभी इधर जो मल्टीप्लाई में था इसका लिया आया मैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंडीशन उधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड होगी, और डिवाइड का जैसे ही मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, डिनोमीटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमीटर कर दूंगा, तो वो पलट जाएगा, तो हमारा जो डिवाइड का साइन था किसका बन गया, मल्टीप्लाई। ये क्लियर हो गया। अब बस मैंने कुछ नहीं करा, क्रॉस में डिवाइड करी, क्योंकि ऊपर नीचे भी हो रही थी सर डिवाइड, तो मैंने क्रॉस में कर दी, उसके बाद जो बची हुई कंडीशन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ और सॉल्व हो नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि 7 और 8 किसी टेबल में आ नहीं रहे, ऊपर से प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उचित भी नहीं ना, ना? तो इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये लगभग आज का आखिरी क्वेश्चन था, एक बार मैं देख लेता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन बच रहा होगा तो आपको एंटर करा देता ना।
ऐसा कोई क्वेश्चन अब बच नहीं रहा। तो आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, हर एक टाइप आपका खत्म हो गया है, ठीक है। तो आप अभी इन क्वेश्चन को घर पर ट्राई कीजिएगा, कोई अगर आपके पास बुक हो तो उस बुक को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई बुक ना हो तो आप जो है नेट वगैरह से कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन को उठा लीजिएगा, क्योंकि अब नेट पर सब कुछ अवेलेबल है ना, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, भारत माता की जय।